केरल के तेज गेंदबाज एस श्रीशांत आगामी इंडियन प्रीमियर लीग की नीलामी के लिए अंतिम सूची में जगह बनाने में सफल नहीं रहे हैं। ये नीलामी 18 फरवरी को चेन्नई में आयोजित की जाएगी। श्रीशांत पिछले महीने आयोजित हुई सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी से प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में लौटे थे। 2013 के आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में उन्हें कथित तौर पर आरोपी बनाया गया था और जिसके बाद उन पर आजीवन प्रतिबंध भी लगा दिया गया था, लेकिन इसके बाद कोर्ट ने उनकी सजा 7 साल कर दी थी। बीसीसीआई के T20 टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी से क्रिकेट में वापसी करने वाले एस श्रीशांत ने आईपीएल 2021 के नीलामी के लिए किए गए रजिस्ट्रेशन में खुद को 75 लाख रुपए की बेस प्राइस में शामिल किया था। किंग्स इलेवन पंजाब और राजस्थान रॉयल्स के लिए आईपीएल में खेल चुके और भारत की T20 विश्व कप 2007 और 2011 की वनडे विश्व कप की विजेता टीम का हिस्सा रहे श्रीशांत को आईपीएल 2021 के नीलामी की आखिरी सूची में शामिल नहीं किया गया। 6 फरवरी को 38 साल के हुए इस तेज गेंदबाज श्रीशांत को T20 क्रिकेट भाता है, लेकिन आंकड़े ये भी कहते हैं कि वो अभी अच्छी तरीके से मैच फिटनेस हासिल नहीं कर पाए हैं। इसके अलावा लंबे समय के बाद क्रिकेट में वापसी करते हुए फील्डिंग भी चिंता का विषय है। T20 क्रिकेट में फील्डिंग बहुत मायने रखती है। शायद इन्हीं कारणों के चलते भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने उनको IPL की नीलामी की आखिरी सूची में जगह नहीं दी है। आपको बता दें, जितने भी खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होता है उन खिलाड़ियों की नामों की लिस्ट तमाम फ्रेंचाइजियों को दी जाती है और उन खिलाड़ियों की लिस्ट में से जिस खिलाड़ी पर कोई भी टीम रुचि नहीं दिखाती उसे अंतिम सूची से बाहर कर दिया जाता है। आपको बता दें, श्रीशांत ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए केरल के लिए 5 मुकाबले खेले थे, लेकिन वो अपनी छाप छोड़ने में सफल नहीं हो पाए थे। 5 मैचों में उनको 4 सफलताएं मिली थी और 2 मैचों में विकेटों के कॉलम खाली रहा था। इतना ही नहीं, श्रीशांत की गेंदबाजी में वो धार और तेजी भी नहीं दिखी थी जिसके लिए वो जाने जाते थे। IPL का 14वां सीजन भारत में ही खेला जाएगा, ऐसे में बल्लेबाजों के लिए अनुकूल पिचों पर अतिरिक्त गति की जरूरत होगी जो कि उनके पास फिलहाल नहीं है। श्रीशांत उम्मीद तो कर रहे थे कि IPL 2021 का एक सीजन जरूर खेल लेंगे, लेकिन जिस तरीके से तमाम फ्रेंचाइजियों ने उन पर रुचि नहीं दिखाई है उनकी वापसी की राह एक तरीके से बंद हो गई है।